दोस्तों दी 100 मेंस कंपटीशन 2024 की शुरुआत 23 जुलाई से हो चुकी है और अभी तक देखिए इस लीग में 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला मुकाबला हुआ था ब्रिमिंगम फियोनिक्स और ओवल इनविंसिबल के बीच, जिसे ओवल की टीम ने अपने नाम कर लिया है 8 विकेट के साथ। तो वहीं लंदन स्प्रिट और सदर्न ब्रेव के बीच में सेकेंड मैच खेला गया था, जिसे सदर्न ब्रेव की टीम ने 7 विकेट से अपने खाते में जोड़ लिया है। तो वहीं तीसरा मुकाबला हुआ था यहां पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वर्सेस वेल्स फायर के बीच में, जिसे वेल्स फायर की टीम ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। यानी कि 3 मैचेस यहां पर हो चुके हैं और अब बारी है यहां पर चौथे मुकाबले की। देखिए जो चौथा मुकाबला है दी 100 मेंस कंपटीशन का, वो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में खेला जाएगा 26 जुलाई यानी कि आज ही के दिन रात 11:05 पर। ये मुकाबला होगा हाईली लीड्स में दोस्तों। अब आज के इस मैच प्रीव्यू में हम जानेंगे, देखिए यहाँ पर जो शुरुआती 3 मुकाबले थे वहां पर सभी टीम ने अपना एक एक मैच खेल लिया है और अब नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स और ट्रेंट रॉकेट्स की टीम अपना पहला मुकाबला इस लीग का खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स अपने खाते में जोड़ेगी, इसके बारे में जानेंगे आज के हमारे मैच प्रीव्यू में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं देखिए पिच रिपोर्ट के साथ। तो हाईली लीड्स की अगर बात करें तो टोटल मैचेस इस पिच पर खेले गए हैं 12, जिसमें से 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, तो वहीं 6 मुकाबले यहां पर सेकेंड बैटिंग करते हुए टीम ने अपने नाम किए हैं। 1 मुकाबले का यहां पर कोई रिजल्ट नहीं निकला था। हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने 208 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहां पर सदर्न ब्रेव की टीम ने दर्ज किया है 119 का। अब देखिए यहां पर 203 सीजन खेले गए हैं। अब 3 सीजन में नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में कितनी बार आमना सामना हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि 3 बार ये दोनों टीमें सामने आई है। 1 मुकाबला यहां पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम ने जीता है, तो वहीं ट्रेंट रॉकेट्स ने 2 मैचेस में जीत दर्ज की है। यानी कि चौथे सीजन में चौथी बार इन दोनों टीम्स का आमना सामना होने वाला है। अब ऐसे में क्या नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर ट्रेंट रॉकेट्स की बराबरी पर आएगी, या फिर यहां पर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपना पलड़ा भारी रखना चाहेगी। तो ऐसे में देखिए नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की जो प्लेइंग 11 हो सकती है उसमें शामिल रह सकते हैं जॉर्डन क्लार्क्स, निकोलस पूरन, आदिल राशिद, हैरी ब्रूक, रिसी टोपले, मिचेल सेंटनर, मैथ्यू शॉर्ट, जेसन रॉय, एडम होस, टॉम लुइस और मैथ्यू पॉट्स। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि पहले मुकाबले में यानी कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का इस सीजन का जो पहला मुकाबला होगा उसके लिए टीम में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए की प्लेयर्स की बात करें अगर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने हैरी ब्रूक को शामिल किया है, मैथ्यू शॉर्ट है, जेसन रॉय है, रिसी टोपले और आदिल राशिद। यानी कि ये जो 5 खिलाड़ी हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के, ये इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। तो वहीं देखिए ये बात हो गई नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की प्लेइंग 11 के बारे में दोस्तों, कि आखिर यहां पर कौन से 11 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। तो देखिए यहां पर जो खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स की जो प्लेइंग 11 हो सकती है उसमें शामिल रह सकते हैं जॉन टर्नर, रोमन पॉवेल, राशिद खान, इमाद वसीम, एलेक्स हिल्स, लुइस ग्रेगरी, ल्यूक वुड, टॉम बेंटन, सैम हीन, सैम कुक और जॉर्डन थॉम्पसन। तो ये 11 खिलाड़ी हमें ट्रेंट रॉकेट्स की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेंट रॉकेट्स की अगर की प्लेयर्स की बात की जाए तो देखिए राशिद खान है, एलेक्स हिल्स, लुइस ग्रेगरी, इमाद वसीम, ल्यूक वुड और रोमन पॉवेल, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं, अच्छे विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये बात हो गई ट्रेंट रॉकेट्स के बारे में। अब फाइनली देखिए बिना किसी देरी के यहाँ पर कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज ही ये मुकाबला होना है रात को 11:05 पर। तो देखिए अगर यहाँ पर हेड टू हेड कंपैरिजन को अगर आप देखें तो 3 मैचेस में से 2 मैचेस में ट्रेंट रॉकेट्स का पलड़ा भारी रहा है, 2 मैचेस में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रेंट रॉकेट्स की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि यहां पर अगर प्लेयर्स भी देखें तो काफी उम्दा प्लेयर्स दोनों टीम में नजर आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का। यानी कि 60% चांसेस यहां पर ट्रेंट रॉकेट्स के जीतने के नजर आ रही हैं, तो वहीं 40% चांसेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम के भी जीतने के नजर आ रहे हैं। वेल देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि यहां पर टॉस कौन सी टीम जीतती है और पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को जीतेगी या फिर सेकंड बैटिंग करते हुए। आपके हिसाब से दोस्तों कौन सी टीम अपने पहले मुकाबले में यानी कि दी 100 मेंस कंपटीशन के पहले मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।